कोरोना के इलाज में क्या जरूरी है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, जरूरी दवाइयां, इंजेक्शन, ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह। लेकिन कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए क्या जरूरी है? कोविड नियमों का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना। हालांकि कुछ लोग अब भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। ये लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, लॉकडाउन के बावजूद बिना वजह घरों से बाहर निकल रहे हैं और भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। आखिर ऐसे लोग कब समझेंगे कि वो ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं? अच्छा एक बात सुनिए, अगर आज इनकी नौकरी गई तो पूरा बिहार में जो है ना नहीं तड़का मच गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप लोग। ये चालान कटके कहाँ जाती है? समझता है लोगों? लापरवाहों की हेकड़ी निकालना जरूरी। नियम तोड़ने वालों से निपटना जरूरी। अब कड़ाई से होगी जनता की भलाई। कोरोना लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है। गंभीर मरीज सांसों की जंग लड़ रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार मचा है। जबकि महामारी की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की चेतावनी भी है, लेकिन इस संकट काल में भी कुछ लोग लापरवाही को गले लगाए नजर आ रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू को तोड़कर अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। बाजारों में भीड़ लगाकर महामारी को पैर पसारने का न्योता दे रहे हैं। कोई शटर गिराकर चोरी छिपे दुकानदारी कर रहा है। कोई बिना वजह सड़क पर निकलकर नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो कोई कानून का पालन करवा रही पुलिस पर ही रौब गांट रहा है। बिहार में जो है ना नहीं तड़का मच गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन कुछ लोग महामारी की गंभीरता को अब भी नजरअंदाज कर रहे हैं। बिहार के कटिहार से आई ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती है। दरअसल कटिहार में पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि शहर के कुछ बड़े कपड़ा व्यापारी चोरी छिपे कारोबार कर रहे हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा, लिहाजा कटिहार जिला प्रशासन ने पैसों की खातिर लोगों की जान जोखिम में डालने वाले ऐसे कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम कटिहार के बड़ा बाजार पहुंची तो हैरान रह गई। यहां कपड़ा व्यापारी पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए दुकान का शटर गिराकर सामान बेच रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह बाहर से दुकान का शटर गिरा हुआ है और अंदर कपड़ों का कारोबार हो रहा है। कटिहार पुलिस ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई सख्त कदम उठाते हुए 14 लोगों को हिरासत में भी लिया, दुकानों के बाहर जमा भीड़ को खदेड़ दिया। बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया लॉकडाउन के उल्लंघन के दौरान जो है कुछ कपड़ा व्यवसायी, कुछ चप्पल जूता का व्यवसायी जो है अपने दुकान को गलत तरीके से खुले हुए था, इसमें हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी किए हैं, जिसमें टोटल 14 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, जिनके ऊपर लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा एक बात सुनिए, अगर आज इनकी नौकरी गई तो पूरा बिहार में जो है ना नहीं तड़का मच गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप लोग। बिहार का ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़की पुलिस वालों से उलझती हुई नजर आ रही है। लड़की पुलिस वालों पर रौब गांठ रही है, सीएम से लेकर पीएम तक को चुनौती दे रही है। अरे जब देखा तो जब बाजार बंद करवा दिया। अरे रोज ठेला वाला खाता है, कमाता है,
दरअसल ये लड़की लॉकडाउन के बावजूद स्कूटी से कहीं जा रही थी। उसने मास्क तो पहन रखा था लेकिन हेलमेट नहीं लगाया था। लिहाजा पुलिस वालों ने इसे रोक कर पूछा कि आपके पास हेलमेट क्यों नहीं है। इतना पूछना था कि मैडम भड़क उठी। लड़की ने पुलिस प्रशासन के साथ सरकारों को कोसना शुरू कर दिया। अपनी गलती छिपाने के लिए लॉकडाउन के फैसले की निंदा करने लगी। इनकी नौकरी गई तो पूरा बिहार में जो है ना नहीं तड़का मच गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसकी तो चालान कटने से रही और आप काटने से रहे और आपकी नौकरी भी जाने से रही। चलिए आज या नीतीश आके काटेगा इसका चालान। अय्या ने तो आपकी नौकरी अगर छुआ तो उसकी तो ऐसी तैसी होएगी होएगी, क्योंकि समझता है लोगों को। जब मन किया ऑर्डर फरमा दिया लॉकडाउन बजा दो अरे जब देखा जब बाजार बंद करवा दिया। अरे रोज ठेला वाला खाता है कमाता है खाता है उसकी क्या, भूखे मर रहा देखो ना रिक्शा वाला भूखे मर रहा। उसको जाके पूछे कभी कि वो भूखा है कि नहीं। उसको खाना देने निकलो तो वीडियो शूट हो रहा चालान पे, चालान काटे जा रहे, ये चालान कट के कहां जाती है। हालांकि पटना पुलिस दबाव में नहीं आई और इस लड़की का चालान काटने लगी, जिसके बाद उसके तेवर अचानक नरम पड़ गए। देखिए कैसे मौके पर सीनियर पुलिस अधिकारी के पहुंचते ही लड़की की तलखी गायब हो गई। लड़की पुलिस अधिकारी के पैर छूकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करने लगी। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर हुआ ये बवाल कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है तो हम क्यों नहीं। सवाल ये कि नियमों का उल्लंघन और फिर हेकड़ी दिखाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिहार से आई ये तस्वीरें भी हैरान करने वाली है। दरभंगा में शादी कर लौट रहे दूल्हा दुल्हन ने मास्क नहीं पहन रखा था, लिहाजा पुलिस ने इनकी गाड़ी को रोका और चेहरे पर मास्क नहीं लगाने का कारण पूछा। इसके बाद दूल्हा तुरंत रुमाल निकालकर मुंह पर लगाने लगा। क्या मास्क क्यों नहीं लगा, मास्क लगा उसको बंदो। उनको भी बोला पत्नी को लगाने के लिए। इसके अलावा पुलिस ने कुछ और गाड़ियों को भी रोका तो उनमें भी लोग बिना मास्क के नजर आए। पुलिस ने ऐसे सभी लोगों का चालान काटा। समय नहीं है, गाड़ी रुका हुआ है ना, पीछे जाम लगा हुआ है। बोला जल्दी। लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन हो इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रही है। दुकानों को बंद कराने के साथ बेवजह लोगों को बाहर निकलने से रोक रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानने को राजी नहीं। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे लोगों से उठक बैठक कराई जो बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते दिखाई पड़े, उन्हें सड़क पर ही दंड दिया। शादी के लिए खास है कि कर्फ्यू का सिस्टम 10 बजे तक है, शादी विवाह में शामिल होने का 10 बजे तक टाइम है, 10 बजे तक उनके ऊपर कर्फ्यू का मापदंड लागू होती है। प्रतिबंध लगी है, मैंने परसों भी एक डीजे पर वाले पर कार्रवाई किया है और जहाँ कहीं भी हमारे क्षेत्र में डीजे बजता हुआ दिखाई पड़ेगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बिहार के पश्चिमी चंपारण से पिछले 24 घंटे में कोरोना के 655 नए मरीज मिले, लेकिन इसके बावजूद लोगों में किसी तरह का डर नहीं है। पश्चिमी चंपारण के बेतिया की ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि किस तरह प्रशासन की निर्देशों की अनदेखी की जा रही है। बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की किसी को कोई परवाह नहीं। बाजार में आम दिनों की तरह ही लोग खरीदारी कर रहे हैं। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, कोई लॉकडाउन को मानता नजर नहीं आ रहा। हालांकि न्यूज 18 के कैमरे को देखकर बाजार में जमा कुछ लोग भागने लगे, जबकि कुछ दुकानदार अपनी दुकानें बंद करते भी नजर आए। उत्तर प्रदेश में 10 मई तक लॉकडाउन है, जरूरी चीजों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रखने के निर्देश हैं। वाराणसी के लोग भी लॉकडाउन को अच्छा फैसला मान रहे हैं। कार के लिए, पब्लिक के लिए, समाज के लिए 2 हफ्ता बहुत जरूरी है लॉकडाउन, कम से कम 2 हफ्ते का लगवा दीजिए। अच्छा, एकदम जरूरी है लॉकडाउन तो लगना चाहिए। कुछ दिनों के लगातार लगना चाहिए, कम से कम 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगना चाहिए ताकि इसकी चेन टूट सके। 2 दिन लगाने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 4 दिन अगर इंसान बाहर मार्केट में निकल रहा है तो वो वायरस को तो लेके घर जा ही रहा है, तो 2 दिन से तो चेन नहीं टूटने वाला है। तो क्या वाराणसी में लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? तस्वीरें जाहिर करती हैं कि यहाँ भी लॉकडाउन का उल्लंघन कर लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं। सड़कों पर लोगों की भीड़ है, सबके अपने बहाने हैं,
सबकी अपनी अपनी वजहें हैं, जबकि सबके सब इस हकीकत से वाकिफ हैं कि कोरोना के इस आफतकाल में बिना वजह घरों से बाहर निकलना महामारी को न्योता देना है। न्यूज 18 अपील करता है कि जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम नियमों का पालन करेंगे तभी कोरोना हारेगा। यूपी के मेरठ में कोरोना की